मुसलमान और मुसलमान का मकसद ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। मुसलसल कोशिश में रहना, अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी, मुआशी तरक्की के लिए भी, दीनी उरूज के लिए भी, इस्लामी इकदार के लिए मुसलसल कोशिश में रहना। मुसलसल दूसरों को लेके चलने के लिए, दूसरों को पैगाम हक देने के लिए, कुफर को पैगाम दीन देने के लिए, गलबा इस्लाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना, ये मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ से मकसद दिया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन याद रखना तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए पैदा किया गया। तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने लोगों को मारूफ का हुक्म देना है और मुनकरात से मना करना। मकसूद अगर ज़िंदगी में कुछ हो फिर ज़िंदगी सही गुजरती है। बेमकसद जब ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता परेशान रहने लग जाते हैं। मकासद क्या थे? मकसद ये था कि मैंने ना 2-4 करोड़ रुपया ज़िंदगी में जमा करना है, तो हो गया जमा, अब क्या करे, अब परेशान रहने लग गया। अब कहता है पता नहीं सारा कुछ है, मेरा दिल ही नहीं लगता। मकसद इसका ये था कि मैंने ना बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, बेहतरीन मकान बनाना है, तो बन गया मकान, अब भाई। ये छोटे मकासद थे। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, जाके सेट होना है, तो हो गया सेट। अब मकासद जब तक बड़ा नहीं होता, मुसलमान मकसद हयात को जब तक पहुंचता नहीं और जब तक वो सही डायरेक्शन पर चढ़ता नहीं, उतनी देर वो परेशान है। वो टामक टोनिया ज़रूर मारता है, वो वाली बीमारियां ढूंढ के ले आता है जो दरअसल उसकी बीमारियां हैं ही नहीं। वो ढूंढता चूँकि उन चीज़ों को है, फिर इलाज भी उन्हीं का करता रहता है। याद रखें, ज़िंदगी बामकसद बनाएं। मकसद क्या हो? निड़ी रोटी कमाना मकसद ना हो, रोटी कमाएं भी और लोगों को खिलाएं भी। आप अगर इसलिए माल बढ़ाएंगे कि मैं मालदार हो जाऊं, तो ये तो महमूद नहीं, ये प्यारा नहीं आपका ये नज़रिया। लेकिन अगर माल इसलिए कमाएं कि या अल्लाह पैसे देना, पर मुझे तरीका भी हज़रत उस्मान गनी वाला देना, मुझे सलीका हज़रत अब्दुलरहमान इब्ने औफ वाला देना। आप अगर मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो बेचैन नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई मकसद है, आप अगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की मुकद्दस ज़िंदगियों को देखें तो कोई मकसद था, कुछ पीछे छा जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, एक बात करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा का शुमार बज़ाहर अभी बच्चों में होता था जब कलमा पढ़ा, और जब सारी बरादरी इकट्ठी थी और हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन कौन मेरे साथ दीन की मदद करेगा, कौन मुश्किल वक्त में हिफाजत करेगा, तो सब चुप रहे। हज़रत अली उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं मुहाफिज भी बनूंगा और दीन का मददगार भी बनूंगा। अब एक मकसद बना लिया है कि मैंने तलवार लेनी है, मैंने दीन की हिफाजत करनी है, मैंने ये काम करना। एक मकसद तो है ना यार, एक प्रोग्राम बना लिया है। अब हजरत मौला अली शेर खुदा हर मैदान में पहली साफ में नजर आए। एक मौका ऐसा आया जहां मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम मदीने में मेरे पीछे रहो, बच्चे हैं, औरतें हैं, निगेबानी है, और मैं इसलिए इसी तरह तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब हारून को छोड़ के गए थे, मगर यह कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। एक मौके पर सिर्फ छोड़ के गए, जिहाद पे साथ नहीं लेके गए, तो हजरत अली रोने लगे। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। बच्चा हमारा भी रोता है पर वो कहता मैंने सैर के लिए जाना है। मकसूद कुछ और बना लिया है ना। पैसे हमारे बच्चे भी मांगते हैं पर वो कहते हैं कि टूर जा रहा है, मैंने साथ जाना है। हमें भी रोना आता है कई दफ़ा, लेकिन वो जो पार्टी हमने काबू करनी थी वो कोई और करके ले गया। ये तो गाहक मेरा था, ये दाएँ बाएँ कैसे निकल गया, रोना था कहा जाता है। उनका भी रोना था। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बच्चों और औरतों पर छोड़कर जा रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली उसी तरह छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हजरत हारून को जनाब मूसा कलीम छोड़ के गए थे। भाई एक मकसूद था कि मैंने मैदान में रहना है, एक इरादा किया था, एक प्रोग्राम बनाया था, फिर सारी जिंदगी वो मैदान में रहे।
उनको जब खंजर लगा ना कूफे की जामे मस्जिद के करीब, तो बंदे को तकलीफ होती है तो वो हाय करता है, बेटे को आवाज़ देता है, नसीहतें लिखवाता है, लेकिन मौला अली को खंजर लगा तो क्या कहते हैं? कहते हैं फुज़तु बे रब्बिल काबा, लो भाई लोगो रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया हूँ। एक मकसूद बनाया था ना, आज मैं उस मकसूद तक पहुँच गया। यार कोई मकसद तो हो। लो सुनो बात, बुखारी में मौजूद है। एक खातून थी जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी। मुश्किल काम है। चलें आप बताएं मुझे, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना आसान है कि मस्जिद का सदर बनना आसान है? नहीं, सदर बनना ही सौखा जी, इसलिए कि सदर बन के करना कुछ नहीं, ना आर्डर ही जारी करना है, इल्ला माशाल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता। इसलिए अच्छा, ज़्यादा अजर वाला काम तो ये ना कि अल्लाह का घर साफ किया जाए। मैंने तो उलमा से कई जगह कहा है कि इस ओहदे का ना आप कोई नाम बदल दें, इस सीट का निगरान कर दें, सरपरस्त कर दें, क्योंकि जब सदर आप कह देते हैं ना, तो सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और सदर अगर बाइख्तियार हो तो पहला काम असेंबलियाँ तोड़ने का करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक खातून मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू देती थी। कोई मकसद तो है ना यार, यानी जुमे वाले दिन मैंने झाड़ू देना है, कोई मकसद तो है। मैंने यार अल्लाह के घर, अल्लाह का घर समझ के, कमेटी की मस्जिद समझ के नहीं, मल्ले की मस्जिद समझ के नहीं, रब का घर समझ के मैंने यार वो वाशरूम साफ करने हैं जिनके अंदर लोग गुजरते हैं, और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करके लोग वजू से फारिग होकर के आते हैं। एक मकसूद है, एक इरादा कर लिया है, कोई प्रोग्राम तो हो, ऐसे मुहम्मल फजूल वक्त गुजरता जाए। यानी हमारे यहाँ ना कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं मैं बोर बड़ा होता हूँ। आपने नाराज़ नहीं होना, मैं सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो उनसे पूछना क्या कर रहे हैं तो कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ आपने टाइम को बिल्कुल फजूल समझ लिया है। क्या समझते हैं आप ज़िंदगी के लम्हात इतने फारिग हैं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में। दो नेमतें, नेमतें कहा हुजूर ने, नेमतान, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग धोखे में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आई कि हमारे पास नेमत, या रसूल अल्लाह कौन सी? हुजूर ने फरमाया एक सेहत और एक फुर्सत, एक सेहत और एक फुर्सत। अल्लाह ने फारिग वक्त दिया था, ये बहुत सारे कुरान पाक पढ़ सकता था, दुरूद पाक पढ़ सकता था, कोई काम कर सकता था, लेकिन बस उस चौक में गुजर गया, उस गली में वक्त गुजर गया, फलाने की बातें करते वक्त गुजर गया, मेलों ठेलों में गुजर गया, शुगल मेलों में गुजर गया, कोई ठंडे इलाके की सैर में गुजर गया, जो बचा था वो मोबाइल पर गुजर गया, बीत गए औकात हमारे। कोई मकसूद है मेरे अजीज? मस्जिद में झाड़ू देती है खातून, बीमार हो गई, लेकिन बामकसद ज़िंदगी गुजार रही थी ना। उसे उसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को मदीने वाले महबूब के दीन से जोड़ लिया था। झाड़ू देती थी मस्जिद में, बीमार हो गई, कुर्बान जाएं रसूल कायनात यानी अल्लाह की रहमत कामिला, हुजूर खुद चल के तीमारदारी करने तशरीफ ले गए और फरमाया अगर ये इंतकाल कर गया तो मुझे खबर ज़रूर करना। सहाबा फरमाते हैं रात का वक्त था, ठंड का मौसम था, और हुक्म भी ये था कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब ना समझा, गुस्ल कफन का बंदोबस्त हुआ, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। इसने कुछ किया है, इसने ना दीन के साथ कुछ ताल्लुक बनाया है। अल्लाह हमारा भी नाम झाड़ू देने वालों में लिख दे। कोई ताल्लुक तो इसने बनाया है ना, कहीं किसी कोने में जाके इसने रिश्ता दीन से जोड़ा है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब पूछने लगे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये भी एजाज के लिए, वरना अल्लामा का मालम तकुन तालम। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं बताया? कुर्बान जाए मर जाने को जी चाहता है इस अदा पर, सारी कायनात जाए हुजूर के रोज़े नूर पर। और नबी पाक ने पूछा बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ओ बूढ़ी अम्मा तेरे नसीबों पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो। हुजूर फरमाने लगे मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? मैं यानी हुजूर किसी की कब्र पे आ गए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गई,
करीम महबूब अलैहि सलातो सलाम कब्र पे गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, एक ही शर्त में जायज है कि अगर वारिस ने नहीं पढ़ा तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, लेकिन हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, और हुजूर इख्तियार रखते हैं, शारे हैं, हुजूर कब्र पे गए। यही बड़ी बात थी कि हुजूर उसकी कब्र पे चले गए, लेकिन कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया दोबारा सफे बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोई मकसद तो था ना, ये मस्जिद में झाड़ू देती थी, आखिरी वेले मेरी अखियां राह तकना है तेरा, तेरा ते कुछ भी नहीं जाना सजना, पा जावे जे फेरा ते सौखा निकले सावे जहूरी जे वेख लवा मुख तेरा। हुजूर तशरीफ ले आए, खुद तशरीफ ले आए और कब्रे मुबारक पर खड़े होके दोबारा जनाजा पढ़ाए। नौजवानों बड़ा वक्त ज़ाया हो गया, बड़ा हमने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़ाया की है वो वक्त है। याद रखना, मुझे न बताना, किसी दोस्त को न बताना, लेकिन अपने आप से ज़रूर सवाल करना कि ज़िंदगी में हमें जितनी नाकामियाँ मिली हैं ना, उसकी असल वजह यह है कि हमने वक्त ज़ाया किया है, और बड़ा ज़ाया किया। हम एक तो मकसद नहीं बना सके, दूसरा अपने वक्त को सही मैनेज नहीं कर सके। हम बड़ा कुछ कर सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी थी, बहुत सारे काम हम अपने जुम्मे लेते तो कर जाते, लेकिन वक्त ज़ाया किया। इमाम बहकी ने हदीस लिखी है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब सुबह दिन चढ़ता है ना तो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है, कहता है मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा, आज के बाद नहीं आऊंगा, कुछ करना है तो कर लो, आज जो दिन आया है ना आज, ये कयामत तक दोबारा वापिस नहीं आएगा, कुछ कर लो। जिसने आज तिलावत नहीं की उसका ये दिन बगैर तिलावत के गुजर गया। मेरे अजीज, जिसने आज दुरूद पाक नहीं ना पढ़ा, हुजूर को याद नहीं किया, उसका ये दिन गुजर गया बगैर दुरूद पाक। जिसने आज सजदों की कसरत नहीं की, ये दिन बीत गया, दिन कहता है दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम रहने दे, कल कर लेंगे, तो आप फरमाने लगे अगर ये काम कल करूंगा तो जो काम कल करने हैं वो कब करूंगा, ये कल पे डाल दूंगा तो जो काम कल करने वो फिर कब करूंगा, वो कल वाला दिन भी फिर इसी तरह गुजर जाएगा। 39 साल उम्र पाई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने, कितनी हल्का सा बोलिएगा, एक कम 40, एक कम 39 साल उम्र। पिछले बादशाह जालिम थे, ये उनके जुल्म भी धो गए, अवाम के साथ बड़ी जगह पे वो खैर नहीं कर पाते थे जनाब उमर, वो खैर भी कर गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सारा हुकूमत का नक्शा भी बदल गए, ये बीसियों कुरान भी पढ़ गए और करोड़ों दफा मदीने वाले पे दुरूद सलाम भी भेज के चले गए। उम्र 39 साल पाई, उम्र 39 साल पाई, बीत गया हमारा वक्त। पीछे पलट के देखते हैं तो बड़ा कुछ जाया कर आए। मजीद ना करना, मजीद ना करना अपने, अगर हम चाहते हैं मुआशरा इस्लाह पजीर हो तो एक तो बा मकसद, दूसरा वक्त बिल्कुल किसी मौके पर जाया नहीं करें, किसी मौके पर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे बड़ा नफ़ा दिया है। हुजूर वो क्या है, आप फरमाते हैं, सूफिया फरमाया करते हैं कि वक्त एक तलवार है, इसे अपने हाथ में कर लो तो बड़ी मुश्किलात काट डालोगे, और अगर तुमने इसको अपने हाथ में ना किया तो फिर वक्त तो तलवार ही है, ये तुम्हें काट डालेगा, फिर तुम कट जाओ। जवान बिलखसूस ये टाइम पास ये निकाल दें, मिजाज बन गया है हमारा शुगल मेले का, गप्पे घंटों भी हों तो वक्त का पता नहीं चलता, शुगल में लेकर। मैं आपको पता है हम गुलाम हैं औलिया के, हम सूफिया के नज़रियात को कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी समझते हैं, लेकिन ये कि आपने नहीं देखा होगा कि 20 लोग इकट्ठे होके किसी जगह एक गली से निकले हों, कोई पूछे किधर जा रहे हो तो कहें हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, 20-20 होके नहीं निकलते। लेकिन अगर ठंडे इलाके में सैर करने जाना हो तो 20 की बस भर जाती है कि नहीं। अगर कहें फलानी जगह मेला लगा हुआ है तो फिर 2-3 गलियों से बसें भर जाती हैं कि नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि आपने शुगल मेला बना लिया है मजारात को,
शुगल मेला सारे रास्ते में नमाज नहीं पढ़ी, क्या मिजाज, वक्त को जाया कर रहे हैं और बड़ा ज्यादा कर रहे हैं, और ये पलट कर हाथ नहीं आएगा। जिन लोगों ने काम किया, हमारा हजार हा इख्तलाफ है यूरोप के साथ, पर ये बात तो मान जाओ ना, उन्होंने अपना वक्त मैनेज कर लिया है, मैनेज कर लिया। हम अभी तक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नारों में जिंदा हैं, उन्होंने मैनेज तो किया है। तीसरी बात मेरे अजीज, इस्लाह मुआशरा के लिए जो बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि तरजीहात का तायुन करें ज़िंदगी में। मेरी दरअसल तरजीह क्या है, असल मकसूद क्या है। ये हमारे मजहबी इज्तमात होते हैं, मुझसे लोग वक्त लेने के लिए आते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, खैर के लिए आए हैं, वरना हमें कौन पूछता है। तो मैं कई दफ़ा पूछता हूँ दोस्तों से कि जो आप महफिल करा रहे हैं तो कोई पास मंजर भी तो बयान करें ना, मकसूद क्या है। चलें इतना ही कह दें कि सवाब की नीयत से करा रहे हैं, अल्लाह हमें अजर देगा, लेकिन ये कि मकसूद ही नहीं पता। जवानों की बड़ी बड़ी जमातें बनी हुई हैं, मकसूद का ही नहीं पता दरअसल जाना किस तरफ। अपनी जिंदगी में तरजीहात, और जब तरजीहात तय करें तो जरूरियात को आगे रखें, फराइज को हमेशा आगे रखें। जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, उनको हमेशा पहला दर्जा दें। बहरहाल महफिल कराना मुस्ताहब है और नमाज पढ़ना, आहिस्ता क्यों बोलते हैं आप, नमाज पढ़ना, ख़त्म शरीफ दिलाना बहरहाल मुस्ताहब है, लेकिन सही कुरान पाक पढ़ना सीखना ज़रूरी है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो क्यों नहीं कर रहे। तरजीहात अगर आप ले आएंगे ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ तवज्जो से ख़त्म दिलाते हैं, हमें भी कहते हैं मौलाना इस दफ़ा अब्बा जी के ख़त्म पर आपकी बारी है, पिछले साल फलाने को बुलाया था, उससे पिछले साल फलाने को, भाई आप नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं आप दुआ करें, आप दुआ करें मैं शुरू कर दूं। तो मैं कहता हूं अगर नमाज की दुआ करानी है घर बैठे बैठे मुझसे, तो ख़त्म की दुआ नहीं घर बैठे बैठे हो जाती, वो भी कर देता हूं यहीं से, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत फरमाए। तरजीहात हमेशा, आपके जो ज़रूरी काम हैं याद रख लें। आपके मदरसा बड़ा ही ज़रूरी है, मैं किसी की तारीफ़ बड़ा कम करता हूँ, इसलिए कि तारीफ़ खुशामद बन जाती है तो बंदा मुश्किल में आ जाता है। लेकिन अभी मैं आया हूँ ना, तो यहाँ बच्चे साथ कुरान पाक पढ़ रहे थे, मेरे आशिया ख्याल में ये बात भी आ सकती थी कि कारी साहब ने, हजरत साहब ने छुट्टी क्यों नहीं कराई, मस्जिद में महफल है। लेकिन आप यकीन करें कि मेरा दिल इतना ठंडा है, मैंने कहा ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनको पढ़ना ही चाहिए, ये जो काम इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इनके घर वालों ने जिगर के टुकड़े दिए पढ़ाने के लिए, तो जो जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम जरूरी है, वही इन्हें करना चाहिए। तरजीहात तो तय करें मेरे भाई, दरअसल तरजीह क्या है। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया, सादा बंदा, बाल बिखरे हुए, हालत बड़ी परागंदा, मिशकात में हदीस है। उसने आन करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे बताइए इस्लाम क्या है, इस्लामी अहकाम बताएं। तो हुजूर ने कलमा शहादत के बाद फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना, दिन और रात में पांच नमाजें तेरे ऊपर जरूरी हैं। उसने अर्ज की, हुजूर कुछ नफल भी पढ़ूं? तो फरमाया अगर तो अपनी तरफ से पढ़े तो बड़ा ही अच्छा है। उसने कहा उसके बाद फरमाया साल में एक महीने के रोजे रखना। अर्ज की, हुजूर कुछ नफली भी रखूं? फरमाया रखे तो बड़ा बेहतर है। फिर फरमाया हज फर्ज हो जाए तो पहली फुर्सत में करना। हुजूर कुछ सात नफली भी करूं? फरमाया करे तो अच्छा है। फिर फरमाया ज़कात दे, ज़कात। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ नफली सदकात भी करूं? फरमाया करे तो बड़ा अच्छा है। उसने ये बातें सुन के ना सिर्फ फराइज की तालीम दी, फराइज की। आज जो खतीब मुझे और आपको नुक्ते सुनाए, हम तवज्जो से सुनते हैं, और अगर फजर में इमाम साहब वजू के मसले बताएं तो कहते हैं एडा आलम ही नहीं। आलम तो उसे जिनने कल बड़ी ऊँची तकरीर की थी। अगर वो आपको गुसल का तरीका बताए तो लोग कहते हैं ये तो इल्म की शायद बात ही नहीं। वो नुक्ता बयान करने वाला, वो जिसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो रही थी। आवाज़ बुलंद होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, दलाइल बुलंद होना ज़रूरी होता है। आपकी दलील कितनी मजबूत है ये ज़्यादा अहम है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़र्ज नमाज पढ़, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रख, हज कर। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तरजीहात बताई। वो शख्स पता है हुजूर से क्या कहता है, कहता है या रसूलल्लाह जो मैंने आपसे सुना है ना कमी करूंगा ना इजाफा करूंगा। गोया वो मान गया कि मैं तरजीह दूंगा फराइज को। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा की तरफ देख के, फरमाया अगर ये जो कह रहा है उस पर डटा रहा
जो इसने कहा है अगर वो सच किया इसने, तो फरमाया फिर ये बंदा कामयाब हो जाएगा, फिर ये फलाह पा जाए। आप तरजीह हमेशा अहम काम को दें। मैं जो बात करने लगा हूं, मेरे उलमा उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने मज़ार पे चादरें कितनी डाली हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की। तो जो तरजीह है, मज़ार पे चादर ज़रूर डालें, मना नहीं, पर ये कि वहाँ वक्त पे जाना, वहाँ ड्यूटी ठीक करना और अम्मा अब्बा घर में परेशान हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं एक मसला दरियाफ्त करने आया हूं। मेरे दोस्तों पता हमें क्या हुआ है, हमने ना बाहर वक्त बहुत ज्यादा दिया है, और जो हमारे घर के अंदर हमारी जिम्मेदारियां थी ना, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे बहन भाई, उन जिम्मेदारियों से ना हमने जान छुड़ाई है, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों ने। बच्चे को चार्ज किया, बच्चा तंग कर रहा है, लगा दो गेम मोबाइल पे, चलो हमारी जान छूटी, वो जाने उसका काम जाने। आप अगर 10-15 मिनट बच्चे को देते, वो आपसे खेलता, वो मानूस होता। आप कहते मैं बड़ा मसरूफ हूँ, और भाई तू इतना मसरूफ तो नहीं जितने मदीने वाले महबूब मसरूफ हैं, लेकिन रसूल पाक के तो कंधों पे इमाम हसन चढ़ के सवारी किया करते थे, हुजूर की तो गोद में इमाम हुसैन खेला करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा है कि हुजूर ने उनके बाजू थामे, उन्होंने पैर पहले हुजूर के मुकद्दस कदमों पे रखे, फिर उन्होंने अपने कदम मुबारक हुजूर की मुबारक पिंडलियों पे रखे, फिर टखनों पे रखे, फिर पेट पे रखे, फिर हुजूर की जुबान चूसनी शुरू कर दी। तू क्यों वक्त नहीं दे रहा अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम वक्त दे पाते अपने नवासों को, नवासियों को, पोतों और पोतियों को? वो जो हमारे लिए जरूरी था, वो हमसे मानूस होने की बजाय किसी बदअकीदा से जाके मानूस हो जाते हैं। पता तब चलता है जब सारा अकीदा बिगड़ जाता है। अपने घर के अंदर जो जिम्मेदारियां, उनको तरजीह दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लियाहलिही वाना खैरुकुम लियाहले, फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, वाना खैरुकुम लियाहलिही, और जाके पूछ लो मैं तुम सबसे बढ़ के अपने घर वालों के साथ खैर करने वाला। तरजीह दें। एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी पे हज फर्ज है, वो हज करने जा रही है, ऐसे आसिता में हदीस मौजूद है, और मेरा नाम एक गजबे में लिख दिया गया है, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं, नाम मैंने लिखवा लिया है, हुक्म मेरे लिए क्या है? मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, वो साहिब इस्तात होगी, जाहिर है उसके पास माल होगा, वो जा रही है, उसको जाना है, वो तैयार है, और मेरा नाम गजवे में लिखा है, तो हुक्म क्या है? देर नहीं लगाई रसूल पाक ने, हुजूर फरमाने लगे तो अपना नाम गजवे वाली लिस्ट से कटा, जिहाद पे ना जा, बल्कि तू महरम बनकर अपनी बीवी के साथ हज करने जा, वो तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरे अलावा कौन महरम बनेगा उसका? तो जो तेरी ड्यूटी का काम है उसे तो करना, तरजीह ही बुनियादों पर काम को करें। चार बातें हो गई, एक बात आखिर में पांचवी। हम ना बहुत सारी चीजों की इसलाह करते हैं, लफ्ज भी कई दफा तराश लेते हैं, जुमले भी बड़े अच्छे तरतीब दे लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे लहजे सख्त हो गए। सारी तवज्जो लफ्जों पे ना दें, कुछ लहजों पर भी दें। लहजा जो होता है ना इंसान का, लहजा यानी बेटे को आवाज दी अब्बा जी ने, कहा बेटा, उसने कहा जी अब्बा जी, क्या मसला, हुक्म करें, अभी तो मैं गया था। इसमें जुमला गुस्ताखी वाला कोई भी नहीं, पर लहजा गुस्ताखी वाला है। अब्बा जी क्या हुक्म है, कोई गुस्ताखी है इस लफ्ज में? अभी तो मैं यहां से गया हूं, कोई गुस्ताखी है? लेकिन उसका जो लहजा है ना, चले मैं आसान करता हूं, आपकी समझ में बात आएगी। कुरान पाक में हजरत लुकमान अपने साहिबजादे से बातें करते हैं, और वो सूरह लुकमान की बिल्कुल इब्तदा में वो आयात मौजूद हैं। तो हजरत लुकमान ने ना अपने बेटे को जो नसीहतें की, एक नसीहत ये भी की थी, कहा वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से रुखसार टेढ़ा करके बात ना करना, मुंह टेढ़ा करके तुरशरुई के साथ बात ना करना। तुरशरुई वो बूढ़ा सुसर, बूढ़ी सास बहू से कहती है पुत्र रोटी लाना, तो रोटी लाई है तो उसने जोर से बर्तन पटका है जमीन पे,
पानी डाला है तो जोर से रखा है, दरवाजा तलखी से बंद किया है। बूढ़े थे बेचारे, बीमार थे, परेशान हो गए। शाम को बेटा आया तो रो पड़े, कहा पुत्र तेरी बीवी बड़ा परेशान करती है। तो उसने कहा अपनी बीवी से, इधर आना। तो बीवी जवाब में पता क्या कहती है, तवज्जो है मेरी बात पर, वो कहती है अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की है, आख्या वाकई कुछ नहीं सुन। अगर वो लफ्ज बताना चाहे तो लफ्ज वाकई कोई उसने कहा ही नहीं, तो बताए कहां से। उसने वाकई कुछ नहीं कहा। अब्बा जी से पूछे मैंने, कहा क्या। अम्मा जी से पूछे मैंने, तो क्या बताए अब्बा जी। गिलास बोलेगा कि इसने तलखी से मुझे फेंका था, कि दरवाजा बोलेगा। अब वो जो तलखी है ना, वो रवैये की है। हमारा ना सिर्फ मसला, मैंने कुरान मजीद पढ़ा है कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा पुत्र रुखसार टेढ़ा करके लोगों से बात, थोड़ा सा रवैया तो ठीक हो ना। हमारे रवैये ना, किसी जगह थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बंद हो तो लोगों का रवैया देखना, थोड़ी देर के लिए किसी जगह अगर ठहरना पड़ जाए तो मिजाज देखें लोगों का। हमारा आप किसी, तब आप किसी से ना किसी के बारे में सवाल करें, पूछें सियासतदान कैसे होते हैं, फिर हमारा रवैया देखें। आप पूछें पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, फिर देखें रवैया। आप पूछें तेरा क्या ख्याल है अपने ससुराल वालों के बारे में, फिर रवैया देखें। चलें आप अच्छे लोग हैं और मस्जिद में भी बैठे हैं और बावजू भी हैं, गलत बात तो करनी नहीं। अगर पूछा जाए कि मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है, अगरचे सुनने भी आए हैं, अगरचे ये कि उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन रवैयों में वो रंग नहीं है। आवाज देते हैं तो इस अंदाज में, बाज लोग अपने डेरों पर बैठ के चौधरी तबसरा करते हैं तो वो तबसरे का लहजा ठीक, मेरे लहजे में गुरूर आया था, तेरा हक था तू शिकायत करता। ओ मेरे भाई, लहजे पर भी थोड़ी तवज्जो दे, अंदाज। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कड़वा इसलिए हूं कि सच्चा हूं, सच्चे बंदे कड़वे होते हैं। मैंने कहा यह मिसाल ही गलत है सिरे से। कायनात में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, सबसे ज्यादा सच हुजूर ने बोला है, पर वो सच इतना मीठा था कि लोगों ने दौड़ दौड़ के उसे हासिल किया है। सच ही तो मीठा होता है, किसने कह दिया सच कड़वा होता है। ये हम कड़वा बना देते हैं, तुर शुरू ही। थोड़ा सा ना लहजे पर भी देखे ना, एक बेटा है, लहजे की बात है ना। वालदा ने, वो बेचारी अम्मा को टेलीफोन आ गया बेटी का कि अम्मा जी 20,000 रुपया चाहिए, मैं मजबूर हूँ, मैं तकलीफ ना देती। तब वो वालिद वालदा बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं, बेटा पहले ही ज़्यादा तनख्वाह कोई नहीं, खर्चे पहले ही ज़्यादा, कैसे कहेंगे। बड़ी उन्होंने ना मशवरा करके, बेटा आया तो बड़े प्यार से प्रेम से बात की, कहा पुत्र दिल तो नहीं करता, हमें तेरे हालात का पता है, पर तेरी बहन बेचारी को ना 20,000 की ज़रूरत है। अब एक लहजा ये है, उसने कहा अब्बा जी कमाल बात है, आपको पहले भी पता ही है आप मुझे रोज़ तकलीफ देते हैं, पहले इतने खर्चे, अभी ईद पे दिया तो था 3,000 उसके घर में, फिर उसने फ़ोन कर दिए, उसे भी सोचना चाहिए। उठ के चला गया। माँ बाप बेचारे सारी रात रोते, हमने क्यों बात की ना करते, क्या इसने रवैया अख्तियार किया। एक रवैया ये है, एक रवैया ये है कि अब्बा जी और अम्मा जी ने बड़े चुन के जुमले का, बेटा हमें तेरे वसाइल का भी पता है, मसाइल का भी पता है, दिल नहीं करता, पर तेरी बहन किससे बात करे, गरीब है, उसने कह दिया है मजबूरी है, उसे को 10-20,000 चाहिए। तो बेटा उठ के करीब आ गया, उसने अम्मा का हाथ पकड़ के सीने पे रखा, बाप का हाथ चूमा। उसने कहा अब्बा जी आप झिझक झिझक के बात क्यों करते हैं, 20,000 की क्या बात हुई, मेरी जान भी आजर है, गरीबी और बात है, मजबूरी और बात है, पर आप हुक्म किया करें, मैं गुलाम हूं आपका, आप झिझक के मेरे साथ भी झिझकेंगे, आप खुल के बात करें, आपको फोन कर देना चाहिए, मैं उधार पकड़ू कुछ करूं, आप जो करेंगे। रोएगा उसका अब्बा भी सारी रात, रोएगी इसकी अम्मा भी सारी रात ही, पर दुआएं मांगती रोएगी। अब्बा दुआएं मांगता रोएगा कि या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको अता फरमा, रोएगा। रवैये, लहजे, अंदाज, गुफ्तगू, इसमें तब्दीली की जरूरत है, इसमें तब्दीली की जरूरत है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने रवायत करते हैं, एक सहाबी फरमाते हैं हुजूर पहले दिन मदीने तशरीफ लाए हिजरत करके, मैं जियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। बड़े बड़े वक्त आए ना, इनमें बदर भी आया, ओहद भी आया, ओहद में शहादतें भी हुई, इन मवाके में बड़ा कुछ आया, लेकिन मैंने हुजूर को 10 साल ज्यारत करता रहा, जब भी मिला हूं मुस्कुराते मिला हूं।
और मैं हुजूर के विसाले जाहिरी से कुछ दिन पहले भी ज्यारत करने गया तो मदीने वाले को मुस्कुराते ही देखा है। तलखी बड़ी है रवैये में, तलखी बड़ी है मिजाजों में। तो फिर अपनी बात सारी दोहराता हूँ। सबसे पहले तो ज़िंदगी बा मकसद करें, बे मकसद ना बनाएं, वरना आप बिला वजह के परेशान रहेंगे। दूसरी बात ये कि उस बा मकसद ज़िंदगी में फिर वक्त एक लम्हा भी ज़ाया ना करें, अपने सारे मामलात को तरतीब दें। उठना कितने बजे है, खाना कितने बजे, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दो दिन आपको फजर के दिन मुश्किल से उठना है, किसी के उठाए उठेंगे दो या तीन दिन, या अलार्म आपको उठाएगा, तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला आपका दिमाग खुद ब खुद जाग जाएगा। अल्लाह ने मिजाज इस तरह का बनाया है इंसान का, तो वक्त नहीं ज़ाया करना। तीसरी बात यह कि तरजीहात का तायुन करना है, तरजीहात का। जो फ़राइज़ हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो वाजबात हैं वो बहरहाल पहले हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहरहाल। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद में इतिकाफ बैठे हुए थे, तो एक बंदा आके मस्जिद में बड़ा परेशान होकर बैठ गया, तो फरमाया ओ भाई क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बड़ा परेशान हूँ, एक बंदे का कर्ज देना है और मजबूर हूँ, दे नहीं पा रहा। आप फरमाने लगे मैं तेरे लिए कोई बात करूँ तो तेरा काम बनता है? उसने कहा हुजूर अगर कर दें तो बड़ी बात है। इतकाब बैठे थे, जूते पहने, मस्जिद से बाहर निकल आए। वो बंदा कहने लगा हुजूर रुके रुके शायद आपको याद नहीं रहा आप इतकाफ में हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रो पड़े और हुजूर की कब्र नूर की जानिब इशारा करके कहने लगे ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैंने मदीने वाले हबीब से सुना है कि जो किसी भाई की एक मुश्किल हल कर दे अल्लाह 10 एतिकाब से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो जो वक्त तरजीह तय करने का था मैंने तय कर लिया, इस वक्त तरजीह तुझे मुश्किल से निकाल ले। हुकूकुल इबाद अगर तरजीह है तो उसे तय करें, फराइज तरजीह है तो उसे तय करें, और अपने रवैयों को अच्छा रखें। सब्र बड़ा हुसन है, सब्र में बड़ा कुछ पिन्हा हो जाएगा। बेसब्र आदमी चंद कदम भी नहीं चल सकेगा, थक जाएगा। ये चीज़ें ज़िंदगी में पैदा करें, उम्मीद है हमारी इस्लाह बड़ी करीब आ जाएगी, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम उस रास्ते चले जाएंगे जो अल्लाह रसूल के कुर्ब की जानिब बढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की, दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर दें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का शर्फ अता फरमा, जिन दोस्तों ने एहतमाम किया है उनकी कोशिश को काविश को कबूल फरमा। ऐ कायनात के मालिक हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा, इखलास वाला अमल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नेकी के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान बना दे, गुनाह और बदी से कल्बी नफरत अता फरमा दे, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों को वसत रिस्क दे दे, जो बेघर हैं उन्हें अपनी छत दे दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमा, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमा, पर्दा पोशी नसीब फरमा, पर्दा पोशी नसीब फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम।